हाय स्टूडेंट्स, जीएन बर्मन के डाउट्स हम लोग डिस्कस करेंगे अप टू 350, ठीक है, 314 से 350। बाय चांस अगर आप रिकॉर्डिंग देख रहे हो इसका, तो फर्स्ट पार्ट इसका अपलोडेड है ना, स्पेशली इवनिंग बैच अगर आप रिकॉर्डिंग देख रहे हो बाय चांस, तो इसका फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोडेड है, आप जाके चेक कर सकते हो। उसमें मैंने डाल रखा है जीएन बर्मन डिस्कशन नाम से ही, आपको दिख जाएगा, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर थ्री हंड्रेड एंड एटीन पे आ जाते हैं। 318 क्वेश्चन देखते हैं अपन। 318 में क्या दिया हुआ है, लिमिट। अब देखो, ये वाले जो डाउट्स है ना, ये आप सबके डाउट्स है स्टूडेंट्स के। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझे अलग से इन्फॉर्म कर सकते हो, ठीक है, कमेंट वगैरह भी कर सकते हो, ठीक है। तो 318 देख लेते हैं, अल्फा टेंडिंग टू जीरो। किसी का अगर हुआ होगा तो यू आर मोस्ट वेलकम टू टेल द सॉल्यूशन, अल्फा की पावर में एन। ये तो खैर कुछ ज्यादा ही आसान नहीं है, साइन ऑफ अल्फा की होल पावर में एम, एम फॉर मंकी, ठीक है, चेक कर लेना एक बार। वेर एम एंड एन आर पॉजिटिव, एम और एन आर पॉजिटिव इंटीजर्स। चलिए, तो दिस इज क्वेश्चन नंबर वन। तो क्वेश्चन नंबर वन में देखिए क्या लिखा है, लिमिट अल्फा टेंडिंग टू जीरो साइन अल्फा की पावर में एन, है ना। यहाँ पे अल्फा की जगह जीरो डालो, यहाँ पे भी जीरो डालो, ऊपर नीचे दोनों जगह जीरो आ रहा है, मतलब जीरो बाय जीरो का इंडिटरमिनेट फॉर्मेट है। तो जीरो बाय जीरो में आप लॉपिटल लगा सकते हो, बट जबरदस्ती हर बार मत लगाओ, स्टैंडर्ड फॉर्म यूज करो। हमको ये पता है कि साइन लफड़ा बाय लफड़ा, वेयर लफड़ा इज टेंडिंग टुवर्ड जीरो, इसका आंसर वन आता है। तो वही चीज़ अपन यूज करने वाले। ऊपर क्या लिखा है, साइन ऑफ अल्फा की पावर में एन, अच्छा, और नीचे क्या लिखा है, साइन ऑफ अल्फा की होल पावर में मंकी। तो साइन ऑफ अल्फा की होल पावर में क्या लिखा है, मंकी। सबसे पहले आप मुझे एक चीज़ बताएंगे कि ये जो साइन अल्फा की पावर एन है, क्या इसका जो आर्ग्यूमेंट है जीरो की तरफ टेंड कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। अरे अल्फा जीरो डालोगे तो ये जीरो होगा, ये जीरो की तरफ अगर टेंड कर रहा है तो यही का यही अगर नीचे होता तो मजा आ जाता। तो अपन क्या करेंगे, अल्फा की पावर एन से डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे, चमका, क्यों, ताकि यहाँ पे साइन लफड़ा बाय लफड़ा बन जाए, वेयर लफड़ा इज टेंडिंग टुवर्ड जीरो, एंड ऑफ द स्टोरी। अभी 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 रुको जरा, एक और स्टोरी। अभी साइन ऑफ अल्फा होल टू द पावर एम, होल टू द पावर एम है, तो अपन क्या करेंगे कि साइन अल्फा, अगर अल्फा जीरो डालोगे तो यहाँ ये भी जीरो की तरफ टेंड कर रहा है, तो काश नीचे अल्फा होता तो मजा आ जाता, लेकिन साइन अल्फा एम बार है, मतलब ऐसा सोचो कि साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा अल्फा एम दफे, टोटल एम टाइम्स है, तो हर एक साइन अल्फा को एक अल्फा की जरूरत है, तो टोटल एम टाइम्स है साइन अल्फा, तो वी विल बी नीडिंग अल्फा की पावर में एम, अपने को एम टाइम्स मंकी टाइम्स अल्फा की जरूरत पड़ेगी, तो उसको मैंने नीचे डिवाइड कर दिया और इधर मल्टीप्लाई कर दिया है। लिमिट अल्फा टेंडिंग टू जीरो, अब देखिए इधर, है ना, ये वाली चीज क्या हो जाएगी, ये तो वन हो जाएगा और ये भी वन हो जाएगा, आपके पास बचेगा कि अल्फा की पावर में नलायक अपॉन अल्फा की पावर में मंकी, दैट विल गिव अस अल्फा की पावर में नलायक माइनस मंकी, ठीक है। आंसर आप लोग चेक कर सकते हो ना, पीछे आपके आंसर गिवन है। तो ये 318वां क्वेश्चन है, 318। अब हमारे पास ये आंसर आया है फाइनली, अल्फा टू द पावर एन माइनस एम, ठीक है। अब क्या करें अपन इसका, अब आपको ये नहीं पता है कि एन बड़ा है या एम बड़ा है, और अल्फा जीरो की तरफ टेंड कर रहा है, मैंने लिमिट तो डाली नहीं ना, लिमिट अल्फा टेंडिंग टू जीरो पुट करेंगे, तो अगर आप जीरो पुट करोगे तो यहाँ पे एक अप्रोक्सीमेट जीरो आएगा, दैट इज एच, तो आप चाहे तो जीरो प्लस एच भी डाल सकते हो, जीरो माइनस एच भी डाल सकते हो, या फिर जीरो ही डाल के देख लो, अपने को पता ही अप्रोक्सीमेट जीरो है। हाँ बोलो, एन माइनस एम। अब बताइए, ये तो यार डिपेंड करता है कि नलायक और मंकी में से कौन बड़ा है, तीन केस बन जाएंगे ना। मान लो कि नलायक और मंकी बराबर हो जाते हैं, अगर नलायक और मंकी बराबर हो जाते हैं तो आंसर क्या आएगा, कोई मुझे बता सकता है? नीचे एच है ना, आप एच इमेजिन करें, आप प्लीज एग्जैक्ट जीरो ना सोच ले गलती से भी। तो अगर नलायक और मंकी बराबर हो जाते तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, एच की पावर में जीरो, एच की पावर में जीरो विल बी वन,
कुछ भी कोई भी बच्चा ऐसा ना सोचे कि सर h तो जीरो होता है और ऊपर भी जीरो, और जीरो की पावर जीरो इनडिटर्मिनेट होता है। बहुत फाइन लाइन है, मैं मानता हूं कि जीरो की पावर जीरो इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है, लेकिन यहां पर ये नीचे वाला जीरो जो है ये फाइनाइट नंबर है और ऊपर वाला जीरो एग्जैक्ट जीरो बन जा रहा है। दोनों अगर अप्रोक्सीमेट जीरो होते तो वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म जरूर कहलाता, लेकिन मैंने क्या बोला है कि अगर एन और एम बराबर है, तो अगर बराबर है तो फिर तो एकदम सटीक जीरो बनेगा ना, एग्जैक्ट जीरो बनेगा, तो आपका आंसर वन ही आना उस केस में। ठीक है, ये सब डाउट नहीं आना चाहिए कि सर ये जीरो की पावर जीरो का इंडिटर्मिनेट फॉर्म बनना चाहिए, आपने तो बताया था। ना ना ना, मैंने आपको सब समझाया है। सेकेंड केस, अब नलायक और मंकी में से मान लो नलायक बड़ा है मंकी से, तो ऊपर वाली पावर पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। तो एच की पावर में एक ऐसा नंबर आ रहा है जो कि पॉजिटिव नंबर है, जीरो की पावर में पॉजिटिव नंबर डालोगे तो अप्रॉक्सीमेटली जीरो ही आंसर आएगा। तो अगर नलायक मंकी से बड़ा है तो आंसर जीरो आएगा, अगर नलायक मंकी से छोटा है तो एच की पावर में क्या आ जाएगा बेटे? नेगेटिव नंबर। तो उसको अपने को ऐसा लिखना पड़ेगा सॉरी, इसको हमें ऐसा लिखने पड़ेगा वन अपॉन एच की पावर में पॉजिटिव। अरे यार समझते हो ना ये सब चीज़ें, एच की पावर में नेगेटिव नंबर है तो अपन उसको वन बाय एच की पावर में पॉजिटिव लिख सकते हैं, और वन बाय जीरो अप्रॉक्सीमेट जीरो विल टेंड टू वर्ड्स इन्फिनिटी। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत छोटा नेगेटिव नंबर आएगा, वो वही बहुत छोटा पॉजिटिव नंबर डिनोमिनेटर में बन जाएगा। ये पॉजिटिव लिखा है मैंने, एच की पावर में पॉजिटिव नंबर, ये इरेज हो जाएगा अपने आप। तो ये था 318वां क्वेश्चन, 318। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 322। तो 318 क्वेश्चन हो गया हमारा, 322। रुको एक मिनट, है ना, बस एक मिनट रुक जाओ। 322, 323, 322, 322 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाय सिक्स, सॉरी मैंने गलत देख लिया, मैंने शायद 336 देख रहा हूं, एक मिनट है ना, ये लिखा हुआ है लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, ये इरेज नहीं हो रहा है ना, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो वन माइनस कॉस क्यूब एक्स अपॉन एक्स साइन टू एक्स। ठीक है, किसको डाउट है 322 में मेरे को बताना आप। देखो सबसे पहले ये साइन को शांत कर दो आप, इसको 2x दे दो और इसे 2x ले लो। ठीक है, तो अब इसका सॉरी इसका आंसर जो होगा वो 1 हो जाएगा। पुट कर सकते हो आप अभी अभी से 1 पुट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, पार्शियल लिमिट यहाँ पे नहीं होगा बिकॉज मल्टीप्लीकेशन या डिविजन में पार्शियल लिमिट नहीं होता है, है ना। ऊपर आपका जो पूरा टर्म है ये पूरा का पूरा जो है 1 माइनस कॉस क्यूब, इसमें ए माइनस बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब लगाएंगे, तो ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, सही बात है, और नीचे आ जाएगा आपके पास x इंटू टू एक्स, दैट इज 2x स्क्वायर। तो 2x स्क्वायर इधर लिख दिया मैंने और 2 थोड़ा सा दूर है। अब आप है ना लिमिट का वैल्यू पुट कर दो जीरो, फटाक से फायर। जैसे ही आप x का वैल्यू जीरो डालोगे तो देखो इधर ये वाला जो है स्टैंडर्ड फॉर्म है 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, इसका आंसर क्या होता है? हाफ हो जाएगा। और इधर भी आप कॉस का वैल्यू जीरो डालोगे, मतलब एक्स का वैल्यू जीरो, तो कॉस जीरो, कॉस जीरो 1 होता है, 1 प्लस 1 2, यहाँ पर भी कॉस जीरो आएगा 1 3, तो हमारे पास आंसर क्या आया? हाफ इंटू 3 और नीचे 2 है, तो हाफ इंटू 3, ये वाला 2 भूल मत जाना, 3/4। ठीक है, 322, अगर अभी भी किसी को डाउट है तो मेरे से पूछ सकता है, 3/4 विल बी द करेक्ट आंसर। 323 पे आ जाते हैं, 323, 323 में देखेंगे अपन क्या दिखा हो, ये सब क्लास में कराया अपन निकल है ना, इतना तो करा है कि आप लोग पुश कर सकते हो अपने आप को। अल्फा टेंडिंग टू जीरो, यहाँ लिखा हुआ है टेन अल्फा वन माइनस कॉस अल्फा का होल स्क्वायर का क्यूब रूट, होल स्क्वायर का क्यूब रूट मतलब क्या हो जाएगा ये 2/3 पावर। अरे इतना तो अपन समझते हैं ना, ये होल स्क्वायर और क्यूब रूट लिखा हुआ है, तो होल पावर कितना हो जाएगा? 2/3 हो जाएगा। If you want, you can write the power 2/3. तो हम लोग क्या करेंगे? हाँ बोलो। Sir, I am finding too difficult to solve these questions. लगेगा, लगेगा difficult लगेगा, बिल्कुल लगेगा। लेकिन अपने को सब पूछा जाएगा। Board exams में भी यही सब पूछा जाता है। अब ये मत बोल देना मुंह उठा के कि board exams में सर ये तो chapter है ही नहीं limits।
कंटिन्यूटी डेरिवेबिलिटी आप चेक कर लो पूरा लिमिट से लिमिट से। तो दिस इज लाइक एबीसीडी, अगर आपको ऐसे लिखना है तो एबीसीडी आनी चाहिए ना। तो अपन एबीसीडी सीख रहे अभी, फिर अपन ऐसे लिखेंगे कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर में। खैर अभी ज़्यादा टेंशन मत लो, नहीं बन रहा तो लोड मत लो, मैं आपको सब सिखा दूंगा। ऊपर लिखा है टेन अल्फा अपॉन वन माइनस कॉस अल्फा का होल स्क्वायर का अंडर रूट, अच्छा क्यूब रूट है, तो मैं पावर में 2/3 लिख देता हूँ, चलेगा? पावर में 2/3 लिख देता हूँ। अब सबसे पहले ऊपर वाले टेन अल्फा को शांत कर दो, वो मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में है, तो इसको शांत कर दिया अपन ने, अल्फा दिया अल्फा लिया, इसका वैल्यू अब क्या हो जाएगा 1। हटा दो इसको अभी से, या तो बॉक्स बना के रख दो, वॉट एवर यू फील लाइक डूइंग, नो वन इज गोइंग टू स्टॉप यू। अब देखेंगे अपन 1 माइनस कॉस अल्फा की पावर में क्या लिखा बेटा, 2/3, चलेगा? कोई दिक्कत किसी को? अच्छा, ठीक है, वेरी नाइस। क्या करूँ मैं इसके बाद? पावर में लिखा है 2/3, तो है ना, अब ये नीचे वाला जो कॉस अल्फा है इसको कुछ दिया जाएगा, इसको क्या दूंगा मैं, इसको मैं अल्फा दूंगा, और अल्फा मैंने नीचे दिया है तो ऊपर भी देना पड़ेगा। ऊपर अगर अल्फा देंगे अगर अपन, तो क्या आएगा, अल्फा ऐसा आ जाएगा चुपके से, बेटा सुन रहे हो ना ध्यान से, ये वाला जो अल्फा है ना इसको अभी से बाहर निकाल लो, तो जब ये बाहर निकलेगा तो 2/3 पावर लेकर बाहर निकलेगा। आई होप ये सब बातें अपने को समझ में आती है। तो अल्फा की पावर 2/3 लेकर ये बाहर निकलेगा। अच्छा सॉरी, अल्फा स्क्वायर की जरूरत है, अल्फा स्क्वायर की जरूरत है ना कॉस अल्फा को, तो अल्फा स्क्वायर, हाँ बिल्कुल अल्फा स्क्वायर आएगा, तो अल्फा स्क्वायर ऊपर भी देना पड़ेगा, वो वाला अल्फा स्क्वायर इस 2/3 पावर को लेकर बाहर आएगा, तो अपने पास बाहर क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर की पावर में 2/3। ठीक है, नॉट बैड, यहां तक कोई दिक्कत तो है नहीं। अब आप इसका लिमिट का वैल्यू हाफ रख सकते हो, लेकिन अभी मत रखना, इसको बॉक्स बना दो, जैसे ही अपन लिमिट डालेंगे ये वाला 1 हो जाएगा, ये वाला हाफ हो जाएगा, और यहाँ पर जो अल्फा बचा है वो कुछ कुछ हो जाएगा। खैर आप चाहो तो अभी से भी डाल सकते हो, बिकॉज कोई टेंशन की बात है ही नहीं। लिमिट अल्फा टेंडिंग टू जीरो ऊपर आ जाना चाहिए। अच्छा ये जो चीज़ है ना, इसका वैल्यू हाफ हो जाएगा, हाफ की पावर में 2/3। आप चाहो तो अभी से लिख दो हाफ की पावर में 2/3, या फिर लास्ट स्टेप में लिख दो, दोनों में फर्क ही नहीं पड़ेगा, जैसी आपकी मर्जी। ऊपर अल्फा है, नीचे अल्फा की पावर में 2 × 2/3 कितना हो गया, 4/3। सो दिस विल गिव अस लिमिट अल्फा टेंडिंग टू जीरो, और नीचे क्या लिखा, हाफ की पावर में 2/3। ठीक है भाई, हाफ की पावर में 2/3, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर है अल्फा की पावर में 1 और नीचे 4/3, तो 1 − 4/3 कितना हो जाएगा, −3/4 है ना। इसका आंसर यार ये बकवास क्वेश्चन है ना, इसका आंसर इन्फिनिटी आना चाहिए। बकवास इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इतनी मेहनत करो और आंसर इन्फिनिटी आए तो क्या मज़ा नहीं आता, फाइनाइट आना चाहिए। डिनोमिनेटर की डिग्री बड़ी है, न्यूमिनेटर की डिग्री छोटी है, सिंपल सी बात है ना यार। देखो ऊपर अल्फा है, नीचे अल्फा की पावर 4/3, कौन सी डिग्री बड़ी है? अभी बड़ी छोटी भी छोड़ दो, आप सिर्फ इतना ही लिख दो ना इसको, 1/अल्फा की पावर में क्या आ जाएगा, 4/3 − 1 करो कितना हो जाएगा, 1/3। ठीक है, तो यहाँ पे अपन अल्फा की जगह 0 डाल देंगे, तो क्या आ जाएगा, नीचे अप्रोक्सीमेट 0, तो ऊपर आंसर इन्फिनिटी। ठीक है, तो 323 भी अपना इसी तरह से खत्म हो जाता है। और कोई क्वेश्चन हो आपका 326 के पहले तो बता देना, मैं 326 से स्टार्ट कर रहा हूँ। 326 देखते हैं अपन, 326 में हमको दिया हुआ है, वही मेरे को भी याद है, ये इन्फिनिटी आंसर्स बहुत आते हैं इसमें, जी एन बर्मन। लिमिट अल्फा टेंडिंग टू जीरो 1 − cos α का होल स्क्वायर। देखो ये सारे क्वेश्चन का एक ही ट्रिक है, क्या, ट्राई टू क्रिएट स्टैंडर्ड फॉर्म, बस ऑलवेज ट्राई टू क्रिएट स्टैंडर्ड फॉर्म। टैन क्यूब अल्फा माइनस साइन क्यूब अल्फा, ठीक है, क्या करूं मैं इसके बाद, देखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे बनाएंगे। भाई अल्फा जीरो की तरफ टेंड कर रहा है, ये 0/0 का इंडिटरमिनेंट फॉर्म है, लॉपिटल लगाने का सोचना भी मत, काफी डिफिकल्ट जाएगा ना लॉपिटल, अपने को इतना आसान थोड़ी मिल रहा है लॉपिटल में डिफरेंशिएशन। लॉपिटल तब लगाओ जब फंक्शन बहुत ज्यादा ईजी हो, डिफरेंशिएबल फंक्शन, मतलब ये भी डिफरेंशिएबल है बट ये आपकी हालत खराब कर देगा, तो आसानी से डिफरेंशिएट हो जाए ऐसा फंक्शन चूज करेंगे।
यहाँ पर देखिए वन माइनस कॉस अल्फा लिखा हुआ है, दो दफे लिखा हुआ है, और नीचे क्या लिखा हुआ है, टैन, एक मिनट यार सोचने दो, क्या मैं इसको ऐसा लिख दूँ, ये टैन क्यूब को साइन क्यूब बाय कॉस क्यूब लिख देता हूँ और साइन क्यूब कॉमन निकाल लेंगे। तो जब आप साइन क्यूब कॉमन निकालोगे तो यू विल बी लेफ्ट विद साइन क्यूब अल्फा और वन माइनस ना 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 वन बाय कॉस क्यूब अल्फा माइनस वन, ऐसा हो जाएगा। क्या बोलते हो, समझ में आ रहा है मैं जो बता रहा हूँ, एकदम थोड़ा सा जल्दी बता दिया लेकिन समझ जाओ। इसको साइन बाय कॉस लिखोगे, साइन क्यूब बाय कॉस क्यूब, साइन क्यूब कॉमन आ जाएगा, तो वन बाय कॉस क्यूब रहेगा अपने पास एंड दैट विल बीट। अब हम क्या करेंगे, अब शांत कर दो, है ना, सबको शांत कर देते फटाफट। ये वन माइनस कॉस एक्स कब शांत होगा, जब इसको नीचे एक्स स्क्वायर मिलेगा, लेकिन ये दो 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 वन माइनस कॉस एक्स है ना, तो एक्स स्क्वायर दो बार चाहिए, मतलब एक्स की पावर फोर देंगे और लेंगे, तो लेने वाला काम थोड़ा साइड में कर देता हूँ। फिर ये साइन क्यूब अल्फा है, सॉरी सॉरी अल्फा की पावर फोर है ना, मैंने एक्स लिख दिया, खैर भावनाओं को समझो, यहाँ साइन क्यूब अल्फा है, तो साइन क्यूब को कैसे शांत किया जाएगा, इसको अल्फा क्यूब दे देंगे क्योंकि तीन साइन, और अल्फा क्यूब इधर मल्टीप्लाई भी कर लेंगे, तो इधर लेने वाला हिसाब हो जाएगा। और क्या कर सकते भाई अपन, और यहाँ पर जो वन माइनस कॉस क्यूब अल्फा है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्चुअली मुझे ऐसा फील हो रहा है कि थोड़ी जल्दबाजी कर दी, क्योंकि इसके फैक्टराइजेशन होगा ना जब, तो और काटापिटी मच जाएगी। दो मिनट रुक जाओ, बस इतना रहने दो। व्हाट वी विल डू, वी विल फैक्टराइज दिस थिंग, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बनेगा यहाँ पे, क्योंकि आप एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, कॉस क्यूब अल्फा और ऊपर भी कॉस क्यूब अल्फा, तो हमारे पास क्या आ रहा है, वन माइनस कॉस अल्फा का स्क्वायर। काटापिटी को अवॉइड नहीं कर सकते अपन लिमिट्स के चैप्टर में, ये तो आप चाहो तो अभी से वन लिख दो, इसको हटाओ यहाँ से ना, हटा दो, ठीक है। तो क्या लिखा है, वन माइनस कॉस क्यूब अल्फा अपॉन कॉस क्यूब अल्फा, ये अपॉन कॉस क्यूब अल्फा जो ऊपर उचक के चला जाएगा ना, मानते हो इस बात को, तो वो ऊपर उचक के कॉस क्यूब अल्फा बन जाएगा। चलिए बहुत ही बढ़िया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है हमें। नीचे ए क्यूब माइनस बी क्यूब मैं अभी से लगा देना चाह रहा हूँ, तो ऊपर क्या लिखा है, वन माइनस कॉस अल्फा का होल स्क्वायर, तो लिमिट। हाँ ध्रुवम बोलो सर, यहाँ पे ही हम वो नहीं कर सकते, स्टैंडर्ड फॉर्म क्रिएट नहीं कर सकते, कर रहे हैं ना, वही कर रहे हैं, आई एम डूइंग दैट, यहाँ पे वाले हाँ कर सकते हैं, लेकिन कॉस क्यूब है, तो इसका ए क्यूब माइनस बी क्यूब बना के वन माइनस कॉस, वन माइनस कॉस एक्स होना चाहिए ना, फिर एक्स स्क्वायर अल्फा टू द पावर सिक्स से मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर नहीं कर सकते। नहीं बिल्कुल नहीं, गलत सोच रहे हो, एक मिनट है ना, सुनो मेरी बात, यहाँ पर कॉस क्यूब अल्फा है, अपने को स्टैंडर्ड फॉर्म में कॉस अल्फा चाहिए होता है, स्टैंडर्ड जैसा थोड़ी है अभी, स्टैंडर्ड जैसा बनाना पड़ेगा इसको, समझ में आ रहा है, कॉस क्यूब है यहाँ पे, अपने को सिर्फ कॉस चाहिए, ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्म, इसका आंसर हाफ लिख सकते हो आप, है ना। अच्छा इसको मैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब, समझ में आया ना आपको, इसको मैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब लिखूंगा तो क्या आ जाएगा, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर मतलब वन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर प्लस ए बी मतलब कॉस अल्फा। अच्छा इसका वैल्यू तो फाइनाइट आएगा, अल्फा की वैल्यू जीरो रखने पे, देखो वन वन और वन थ्री आना चाहिए इसका आंसर, तो आप चाहो तो अभी से पुट कर दो, आप चाहे तो लास्ट में पुट कर देना, कोई दिक्कत नहीं। ये वाला एक वन माइनस कॉस अल्फा और एक ऊपर वन माइनस कॉस अल्फा कट जाएगा, इसलिए मैंने इनको काटा। काटापिटी बहुत जरूरी हो जाती है लिमिट्स में, क्योंकि आपका इंडिटर्मिनेट फॉर्म वहां से खत्म होने लग जाता है। सर आप अल्फा क्यूब मिस कर दिया आपने, बिल्कुल सही बात है, अल्फा क्यूब लिख देता हूँ, अल्फा क्यूब एक नीचे पड़ा हुआ है ये वाला, ठीक है। आप चाहो तो ये भी लिखो बार बार, लेकिन इसका आंसर लास्ट में वन लिखना है तो अभी से लिख डालो, क्योंकि वो मल्टीप्लीकेशन में ही है। ओके तो ऊपर क्या लिखा है, वन माइनस कॉस अल्फा अपॉन ये नीचे थ्री, इसको आप चाहे तो अभी से थ्री रख दो, मैं अभी से लिख देता हूँ, क्योंकि वो तो मल्टी, ये पूरा जो आइटम है ना पूरा बॉक्स, ये मल्टीप्लाइड या डिवाइडेड फॉर्म में, तो पार्शियल लिमिट की दिक्कत नहीं जाएगी। ओके 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 ओके, तो नीचे अल्फा क्यूब है ना अपने पास और ऊपर है कॉस क्यूब अल्फा, इसका आंसर भी उटपटांग आया ना तो फिर दिमाग खराब हो जाएगा। देखिए नीचे अल्फा स्क्वायर आना चाहिए, तो एक अल्फा तो अपन ने यहाँ से ले लिया और एक अल्फा थोड़ा दूर कर दिया, अब ये वाला आंसर तो ज़रूर हाफ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, और कॉस अल्फा कॉस जीरो का वैल्यू वन आ जाएगा, तो ये भी वन आ जाएगा, लेकिन एक जीरो में को है ना अभी भी लावारिस पड़ा हुआ दिख रहा है, तो वो एक जीरो का क्या करें अपन, कौन सा क्वेश्चन है, 326।
ये साहब एक्सेप्टेबल नहीं है, इतनी मेहनत करने के बाद आंसर फाइनाइट आना चाहिए, लेकिन इनफाइनाइट आ रहा है, क्या करें, कोई बात नहीं। 326। खैर आपको समझ में आया ना कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। एक्चुअली इनको क्वेश्चन अगर बहुत अच्छा बनाना होता तो वो लोग क्या करते ना, यहाँ पर साइन क्यूब की जगह साइन स्क्वायर रखते तो ज़्यादा मज़ा आता, उस केस में आपका आंसर फटाफट आ जाता। तो साइन स्क्वायर की जगह यहाँ अल्फा स्क्वायर आता, तो एक अल्फा अननेसेसरी यहाँ पे क्रिएट नहीं होता, आपका आंसर काफ़ी अच्छा फाइनाइट आ जाता। कोई बात नहीं, जो आंसर आ रहा है लेट अस एक्सेप्ट इट विद ग्रेस, 332-30 पे आ जाते, 330। आई होप मैं बहुत फास्ट नहीं बता रहा हूँ, अगर आपको फास्ट लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा तो बता देना, बिकॉज थोड़ा लगता है लिमिट्स में ऐसा कभी कभी। 330 में किसको डाउट है? रुको मैं कमेंट में चेक करता हूँ। 330 में जिसको डाउट है, बहुत गलत, क्या हो गया, अरे आंसर नहीं आ रहा है क्या? 330 अपन ने क्लास में किया था, साइन 3x अपॉन साइन 2x, एक्सटेंडिंग टू पाई। कोई बात नहीं मैं बता दूंगा, लेकिन पहले एक बार देख लेते हैं। अच्छा ओ सॉरी, आई विल टेक माय वर्ड्स बैक, ठीक है। अब मेरे को आपका डाउट अभी समझ में आ गया, क्योंकि अभी यहाँ पे आप पाई रखोगे ना, पहले तो आपका आंसर ये तो नहीं आ रहा ना 2/3, डोंट टेल मी कि आपका आंसर 2/3 आया है या 3/2 आया, दोनों में से एक भी आंसर नहीं होगा। बिकॉज क्या है ना, ये वाला जो आइटम है साइन के सामने वाला, ये जीरो की तरफ टेंड करना चाहिए, जो कि ये नहीं कर रहा है। बेटा यहाँ पाई रखोगे ना तो ये 3 पाई की तरफ टेंड करेगा, साइन का आर्ग्यूमेंट जो है वो 3 पाई की तरफ टेंड करेगा, और ये वाला आर्ग्यूमेंट 2 पाई की तरफ टेंड करेगा। ये आपका प्लेन एंड स्ट्रेट जीरो होना चाहिए, एकदम सटीक जीरो होना, सटीक मतलब यहाँ जीरो बनना चाहिए। अब जीरो बन नहीं रहा है, तो यहाँ पर आप वो मत कर देना जो हमें डर है, कि अपन ने 3x से डिवाइड करा, मल्टीप्लाई करा, फिर इधर भी 2x से डिवाइड करा, मल्टीप्लाई करा, और आंसर 2/3 आ गया, ऐसा ना करें। इनडिटर्मिनेंट फॉर्म किसका है? 0/0 का है। इनडिटर्मिनेंट फॉर्म अगर ये 0/0 का है, तो आप लॉपिटल तो अभी भी लगा सकते हैं, बिकॉज साइन 3x का डिफ्रेंशिएशन आता है, साइन 2x का भी आता है। यार आंसर तो इसका ना इन एनी केस आपका वही आएगा, क्योंकि अगर आप इसको ओरली भी करोगे तो भी वी विल गेट द सेम आंसर। मैं करके देख लेता हूँ, आप चाहे तो लॉपिटल से कर लें। तो एल हॉस्पिटल क्या कहता है कि ऊपर को अलग से डिफरेंशिएट करो, नीचे को अलग से करो, तो एक तरीका हमारे पास ये हो जाएगा लॉपिटल वाला। माइनस साइन नहीं आया मेरा, देख लेते यार, सब देख लेंगे हम लोग, माइनस साइन तो जरूर आएगा, माइनस साइन तो मेरा आंख बंद करके आ रहा है। कैसे आएगा मैं बताता हूँ आपको, साइन 3x का डेरिवेटिव बताओ मुझे क्या आ जाएगा, कॉस 3x, फिर ये 3x जो है वो उसको भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, सिर्फ x होता अंदर तो अपन उसको डिफरेंशिएट नहीं करते, करते लेकिन उसका डेरिवेटिव बना जाता, इसलिए अपन उसको लिखते नहीं। इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा 3, और नीचे साइन 2x है, उसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा 2 sin 2x, ठीक है। पहले मुझे लगा कि ये सिंपल जो अपन ने कल करा था वैसे ही क्वेश्चन, थोड़ा सा अलग है। कॉस टू एक्स आया नीचे। हाँ, बस मैंने देखा ही था और आपने बता दिया, कॉस 2x। अब अपन यहाँ पे पाई रखेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, कॉस ऑफ 3 पाई, 3 टाइम्स कॉस ऑफ 3 पाई, और नीचे क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स कॉस ऑफ 2 पाई, ठीक है। तो cos 3 पाई कितना होता है, 1 या -1, cos 2 पाई कितना होता है, 1 या -1, आ गया ना माइनस साइन, बताइए। सेकंड में सर मैंने जो न्यूमरेटर है उसको लिखा था sin 3π - 3x, एंड फिर नीचे वाले के लिए लिखा sin 2π + 2x। ठीक है, मैं देख लेता हूँ, टू अब पाई वो 10 0 हो गया ना। माइनस 2x। अब ये एक मिनट ना, पाई डालेंगे तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, और sin 2π - थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा ना यार, सुनो, sin 2π - थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाएगा, तो प्लस 2π + थीटा लिख रहे हो आप, तो फिर ये तो गलत हो गया ना, क्या हो गया ना आर्या, अगर आप प्लस लिखोगे तो फिर ये जीरो की तरफ टेंड नहीं करेगा, हमें इसको जीरो की तरफ टेंड कराना है, समझ रहे हो मेरी बात आप? आप यहाँ पे अगर आप पाई रखोगे तो अब ये 4π की तरफ टेंड करने लगा है, 2π + 2π 4π, तो वो मज़ा नहीं आएगा। आपने ऐसा तो नहीं करा फिर कि इसी से डिवाइड कर दिया 2π + 2x से, और इसी से मल्टीप्लाई कर हाँ, दिया, गलती से मतलब न्यूमरेटर हो गया था, नीचे ध्यान नहीं दिया, समझा। तो। और सुनो, अभी भी इसमें भी एक मिस्टेक का चांस है, अगर आप 2π - x लिखोगे ना तो एक माइनस साइन आपको बाहर एडजस्ट करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि sin 2π - थीटा क्या होता है, -sin थीटा, और यहाँ पे सिर्फ साइन थीटा है तो माइनस एक आएगा, उसके लिए यहाँ पे एक माइनस लगा के रखना पड़ेगा, है ना।
सही तरीका आपका। अभी आप यहाँ पे वो वाला फॉर्मेट लगा सकते हो, 0/0 वाला, डिवाइड कर दो इससे 3π-3x से और मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ भी वैसे ही कर दो और फिर एल ऑपिटल लगा दो। तो ऐसे भी किया जा सकता है, बट दिस इज आई थिंक दिस इज लॉट बेटर। लॉपिटल अगर आसानी से लगता है तो वो अपॉर्चुनिटी कभी जाने मत दिया करो, आसानी से लगता है तो। कॉम्प्लिकेटेड लॉपिटल तो मैं खुद नहीं पसंद करता हूँ। 332 था ना, एक मिनट यार मेरी बुक कहाँ गई। 330 था, अब मैं 332 पे आ जाता हूँ। 331 में किसी को डाउट नहीं है क्योंकि क्लास में करा दिया था, अल्फा टेंडिंग टू पाई साइन अल्फा। यहाँ पर अपना ये वाला ट्रिक लग जाएगा आर्या, जो आपने किया था सेम चीज यहाँ पे कर सकते हैं, साइन अल्फा अपॉन 1 - a² अपॉन 5² What should we do? ऊपर देखो आप, सबसे पहली गलती क्या होती है ना कि लोग ये वाले साइन अल्फा को शांत कर देते हैं तुरंत, इसमें अल्फा डिवाइड करा मल्टीप्लाई करा, ऐसा थोड़ी होगा। अल्फा पाई की तरफ टेंड कर रहा है लेकिन अल्फा जीरो की तरफ टेंड करना चाहिए, मतलब साइन का आर्ग्यूमेंट जीरो की तरफ टेंड करना चाहिए, वो कर नहीं रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे कि पहले उसको टेंड करवाना हो तो करवा लो। एंड नीचे क्या लिखा है, ये जो लिखा है ना ये डराने के लिए सिर्फ, आप इसमें एलसीएम एलसीएम खेल लो तो क्या बन जाएगा वो π² × π² - α² और ऊपर वाले साइन अल्फा को लिख दिया मैंने साइन ऑफ 180 - α, चलेगा? साइन 180 - α साइन अल्फा होता है तो प्लस माइनस का कोई टेंशन नहीं अभी। अच्छा ऊपर रहने दो अभी साइन अल्फा π - α, और नीचे देखेंगे अपन ये वाला जो π² है वो उचक के ऊपर आएगा, है ना? तो उसको मैं लिमिट के बाहर ही निकाल देता हूँ, कॉन्स्टेंट को आप बाहर निकाल सकते हो, अल्फा टेंडिंग टू पाई। अभी ये जो साइन ऑफ π - α न्यूमिरेटर में है और नीचे क्या है π² - α², ये a क्यों लिखा है मैंने? अच्छा बुक में इन्होंने ये लिखा है ना, रुको एक मिनट, वो अल्फा ही है उनका, बुक वालों की भावनाओं आप समझ जाया करो। दे वॉन्ट टू राइट अल्फा बट दे माइट नॉट बी एबल टू टाइप इट, तो उन्होंने a लिख दिया होगा ना गरीबों की तरह। ओके तो ये क्या है π² - α² ना, तो π² - α² में क्या कर देंगे अपन, π - α × π + α, चलेगा? ये चीज तुरंत वन हो जाएगी क्योंकि अपन ने जैसे, अब सुनो अब आप अल्फा की जगह पाई रखोगे तो यहाँ पे π - π आ जाएगा विच विल बी जीरो, तो साइन का आर्ग्यूमेंट जीरो की तरफ टेंड कर रहा है और यहाँ पे भी साइन का आर्ग्यूमेंट जीरो की तरफ टेंड कर रहा है, तो यू कैन डायरेक्टली राइट द आंसर एज 1। ऊपर क्या है π² into, और नीचे क्या है, अच्छा रख दो ना आप, तो क्या है तो फाइनाइट है यहाँ पे, π + π 2π आ जाएगा, तो π² / 2π आ जाएगा which will give us answer as π/2। ठीक है आप चेक भी कर सकते हो पीछे, 332 का आंसर जो होगा that will be π/2। यस अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, 334 में अपन देख पाएंगे कि ओके लिमिट y टेंडिंग टू a, किसी का आया 334 का आंसर? इट्स अ गुड क्वेश्चन, y - a/2 × tan(π y/2a) हाँ आया, क्या बात है। तो आर्या का आया है, सिर्फ एक ही स्टूडेंट का आया मेरे को ऐसा लग रहा है, बाकी लोगों ने सॉल्व किया है ना होमवर्क। हाँ वाई डालो पहले, ए के पहले चेक कर लो ना कौन सा, यहाँ पे ए डालोगे, सॉरी वाई की जगह ए डालोगे, a - a 0 0/2 sin 0, कल के टिप से हुआ है। क्या टिप दिया था मैंने कि साइन का आर्ग्यूमेंट पहले तो ये जीरो की तरफ टेंड कर रहा है और यहाँ पर अगर अपन वाई की जगह ए डालेंगे तो π/2 tan π/2 क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी। ठीक है 0 × इन्फिनिटी, मेरी नज़र में 0 × इन्फिनिटी जो होता है वो 0/0 होता है। ठीक है बहुत कम लोगों को ये पता होता है, सच में बता रहा हूँ, सच बता, मजाक नहीं कर रहा हूँ, 0 × इन्फिनिटी को लोग कन्वर्ट ही नहीं करते 0/0 में। आप ये इन्फिनिटी को 0/0 लिखने की कोशिश करो, मतलब ये इन्फिनिटी कौन दे रहा है टैन, आप चाहे तो टैन का रेसिप्रोकल लिख लो या फिर आप टैन को साइन बाय कॉस लिख लो। ठीक है मैं हमेशा बोलता हूँ, मेरे टीचर ये बोलते थे कि टैन को साइन बाय कॉस लिखने वाला इंसान सबसे सुखी होता है। ठीक है जिसने टैन को साइन बाय कॉस लिखा उसको बहुत शांति मिलेगी हमेशा। देखिए
तो साइन ऑफ वाई माइनस ए बाई टू इंटू टेन ऑफ पाई वाई बाई टू, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ पाई वाई बाई टू ए अपॉन कॉज ऑफ पाई वाई बाई टू ए, कॉज ऑफ पाई वाई बाई टू ए, ठीक है। तो अब यहाँ पे सुनो सुनो, तो ये तो अभी भी जीरो की तरफ टेंड कर रहा है, इसको तो मैं शांत कर दूंगा, मेरे को इसका इलाज पता है क्या करना है। दिक्कत कहाँ आएगी, दिक्कत यहाँ पर आएगी, एक है ना, वी विल चेक। ये इसको रखो यहाँ पे, पाई की जगह ए रखो, तो ए रखोगे तो ए और ए कटेगा, पाई बाई टू, साइन 90 जो होता है वो वन होता है, मतलब ये फाइनाइट होने वाला है। क्यों ना मैं इसका आंसर अभी से वन लिख के फ्री हो जाऊँ, भाई जिंदगी में हर चीज़ का टेंशन थोड़ी लेते रहेंगे, और ये पाई वाई बाई टू ए बस इसका टेंशन लेना है अपने को। मैंने आपको एक को कल भी बताया था कि कॉस के सामने अगर आपको ऐसा पाई बाई टू जैसा कुछ नजर आए तो तुरंत उसको साइन में कन्वर्ट करो तुरंत, और साइन में कन्वर्ट करना हमें आता है कैसे, कॉस ऑफ लफड़ा कैन बी रिटन एज साइन ऑफ 90 माइनस लफड़ा, ठीक है, एनी लफड़ा, अब ये पूरा का पूरा लफड़ा है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, कॉस ऑफ पाई वाई बाय थीटा ना, इसको आई कैन राइट इट एज साइन ऑफ पाई बाय टू माइनस पाई बाय टू वाई ए, ये पूरा लफड़ा है ना, तो पाई बाई टू माइनस लफड़ा लिखा है मैंने, फाइन, बहुत बढ़िया। अगर आप चाहो तो ऊपर वाले साइन को शांत कर सकते हो, बिल्कुल आप उसको शांत करके फ्री हो जाओ, क्योंकि ये जीरो की तरफ टेंड कर रहा है, क्यों ना मैं वाई माइनस ए बाई टू से डिवाइड कर दूं और मल्टीप्लाई कर दूं। तो इसको मैंने अगर वाई माइनस ए बाई टू से डिवाइड करा और यहीं की यहीं मैंने वाई माइनस ए बाई टू से मल्टीप्लाई करा, थोड़ा सा समझ लेना, हैंड राइटिंग का थोड़ा सा दिक्कत होगा, y माइनस ए बाय टू से मैंने इधर मल्टीप्लाई करा और डिवाइड करा, तो ये वाला जो आइटम है ना, दिस विल टर्न इनटू वन, ये पूरा वन हो जाएगा, ये वन हो जाएगा, सो वी विल बी लेफ्ट विथ व्हाट, लिमिट y टेंडिंग टू a, ये तो वन हो गया, इसको हटा दो, अभी लिखना है वन तो अभी लिख दो, लास्ट स्टेप में लिखना तो लास्ट स्टेप में लिख दो, लेकिन हम समझदार है इसलिए हम अभी लिखेंगे। अब ये भी जीरो की तरफ टेंड कर रहा है, तो क्यों ना मैं इसको भी इसी के आइटम से डिवाइड कर दूं, तो इसकी आइटम कौन है, साइन पाई बाई टू माइनस, देखो भाई इसका आइटम जो है पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू वाई बाई ए, इसी से मैंने डिवाइड करा और इसी से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि ये पूरा का पूरा आइटम ए का वैल्यू, वाई का वैल्यू ए रखने पर जीरो की तरफ टेंड कर रहा है, वाई का वैल्यू ए रखोगे ए और ए कट जाएगा, पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू जीरो, तो साइन लफड़ा अपॉन लफड़ा वन होता है, वेर लफड़ा इज टेंडिंग टूवर्ड जीरो, तो मेरे को इसको लफड़ा देना था, दे दिया, और सुनो पाई बाई टू माइनस पाई वाई बाई टू ए, ये यहाँ पर एक बार लिखना पड़ेगा, आप चाहो तो इसका वैल्यू अभी से वन लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, लिमिट वाई टेंडिंग टू ए, तो ऊपर क्या लिखा है वाई माइनस ए बाई टू और नीचे लिखा है पाई बाई टू, अच्छा पाई बाई टू कॉमन निकालो ना खींच के बाहर, और अंदर क्या बचेगा वन माइनस वाई बाय ए, कोई तकलीफ किसी को, नीचे एलसीएम खेलेंगे अगर अपन, रुक जाओ जरा, है ना, ये जो पाई बाय टू है ये नीचे लिखा है तो ऊपर आके ये टू बाय पाई बन जाएगा, ठीक है, याद रखना लिमिट वाई टेंडिंग टू ए है, ऊपर लिखा है वाई माइनस ए बाय टू और ये टू बाय पाई, ठीक है, ये पूरा न्यूमरेटर बन गया अपना, और डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा वन माइनस वाई बाई ए, दैट विल बिकम ए माइनस वाई बाई ए, ए माइनस वाई बाई ए, ठीक है, तो इसको आप देखिए मैं कैसे लिख रहा हूँ, ये टू टू काट दो, वाई माइनस ए अपॉन पाई इंटू ए अपॉन ए माइनस वाई, को वाई माइनस ए का नेगेटिव लिख दिया, ये नेगेटिव बाहर आ जाएगा, इश्क्या आऊं, क्या बचा अपने पास, माइनस ऑफ ए बाय पाई, दिस इज योर फाइनल आंसर, माइनस ऑफ ए बाय पाई, कौन सा ये क्वेश्चन 334 है ना, हाँ वही मैंने 332 का आंसर देख लिया, मुझे लगा कि क्या कर दिया मैंने, हाँ सही तो है, करेक्ट है ना, 334, if you want to copy, you can.
अच्छा क्वेश्चन है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन बहुत आसान है, क्वेश्चन जो है आसान नहीं है, बट आप जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे ना, आपको ये क्वेश्चन समझ में आते चले जाएंगे। 3, 35, 6, 7 लगातार है और 8 भी है। 3:30 मैंने दो बार लिख दिया, तो आई शुड आई राइट इट ट्वाइस, इसको हटा देंगे। 3:38 भी दो बार लिखा हुआ, हमारा लोड कम हो जाएगा। ठीक है, किसी का क्वेश्चन मिसिंग हो तो मुझे बता देना। थ्री थर्टी फाइव सिक्स सेवन एट, 5, 6, 7, 8 डायरेक्ट बताने, चारों की चारों। तो कोई और क्वेश्चन हो ऐसा जो आपको लगता है कि नहीं सर ये भी बता दो। सर 1 मिनट ऊपर रखो। हाँ ये लिख लो प्लीज। ध्रुवम आया आपको समझ में? 3:34 ही आप शायद पूछ रहे थे कल, पता नहीं, या अभी पूछ रहे थे। हाँ हाँ सर, हाँ समझ में। 3:37 देखेंगे। देखो आप लोग कभी भी ये एक्सपेक्ट मत करो कि जो आपको क्लास में कराया गया है वैसे का वैसे ही क्वेश्चन आपको रियल वर्ल्ड में मिलेगा। रियल वर्ल्ड में आपको हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा एप्लीकेशन करना ही पड़ेगा जो आप नहीं चाहते हो, जिसमें आपको फ्रेश तरीके से दिमाग लगाना पड़ेगा। तेजस से सेइंग 343 भी ऐड कर दो, कर देता हूँ ना। पहले अपन आ जाएंगे 337 पे, 5 पे। थ्री फोर्टी थ्री उसमें ऐड कर दिया जाएगा। होल्ड ऑन, 335 पे आ जाते पहले। 6, 7 ये सब अच्छे क्वेश्चन है ना बिल्कुल। आपसे अगर नहीं हुआ तो डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। ये सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें बच्चों को डाउट आता ही आता है। तो मैं पहले 335 बताने जा रहा हूँ, फिर उसके बाद 6, 7, 8। ठीक है, ओके ग्रेट। तो 335 देखो भाई क्या है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई, 1 माइनस साइन ऑफ x/2, अपॉन cos x/2, cos of x/4, -sin of x/4। ठीक है, दिस इज 335। तो सबसे पहले 335 देख लेते हैं। अच्छा किसी का आंसर आया तो यू आर मोस्ट वेलकम, आप मेरे को बता सकते हो कैसे कराएं। मैंने क्वेश्चन गलत लिख लिया क्या? नहीं ठीक है, 337 ये 337 है। अब चलो लिख दिया तो पहले यही बता देता हूँ, है ना, गलती से मैंने 337 लिख लिया है तो मैं ये पहले बता देता हूँ। ठीक है, 337 किसी का हुआ है तो ये तो मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग है, जानना है मुझे कैसे किया। एनीवन, मेरे पास इसका बहुत तोड़ तरीका है, शानदार तरीका। सबसे पहले इंडिटर्मिनेंट फॉर्म देखेंगे 0/0 का, कोई डाउट ही नहीं है इसमें। लॉपिटल लगा के फंस मत जाना, मैंने क्या बात है अमर, बताइए कैसे किया। देखो क्या करेंगे अपन, ऊपर लिखा है जो वन है और ये साइन, मैं आपको कम से कम 100 बार तो बता चुका हूँ कि वन और साइन की भी दोस्ती होती है। आप क्या कर सकते हो, इस वन को और इस साइन को और हाफ एंगल, ये ऑलरेडी हाफ एंगल में, मैं इसको और हाफ एंगल में कन्वर्ट कर लेता हूँ, क्योंकि एक्स बाय फोर में कन्वर्ट करेंगे तो नीचे भी आपको एक्स बाय फोर नजर आ रहा है, तो इसको अपन फिर से हाफ एंगल में कन्वर्ट कर लेंगे। तो वॉट आई विल डू, ऊपर मैं लिख दूंगा इसको साइन स्क्वायर एक्स बाय फोर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाय फोर। सोचकर देखो मैंने क्या करा, ये वाले वन को बड़ा स्टाइलिश तरीके से ऐसा लिख दिया, साइन स्क्वायर एक्स बाय फोर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाय फोर माइनस, ये साइन एक्स बाय टू को मैं और हाफ एंगल में ब्रेक करूंगा तो क्या आ जाएगा, 2 sin x/4 cos x/4। किसी ने ऐसे किया है सॉल्व? एनीवन? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनाया। अच्छा नीचे क्या लिखा है, कॉस एक्स बाई टू। अच्छा यहाँ पे पाई डालेंगे तो पाई बाई टू आ रहा है, कॉस 90 होता है तो ये भी गड़बड़ दे रहा है। और यहाँ पर भी क्या लिखा है, पाई बाई फोर आ जाएगा जैसे ही आप पाई डालोगे, तो 1/√2 - 1/√2 जीरो, ये भी जीरो हो रहा है, ये भी जीरो हो रहा है और ये भी जीरो हो रहा है। तो बेसिकली हर क्वांटिटी जीरो हो रही है, तो अपन किसी को भी बॉक्स बना के बाहर नहीं निकाल सकते। क्या लिखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, क्या होता है ये, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। और नीचे क्या लिखा है अपने सामने, कॉस एक्स बाई फोर
माइनस साइन ऑफ एक्स बाय फोर और इधर लिखा कॉस ऑफ एक्स बाय टू। अब सुनो ये किसका स्क्वायर हो जाएगा, साइन एक्स बाय फोर माइनस कॉस एक्स बाय फोर का स्क्वायर। बट मैं इसको है ना ऐसा लिख रहा हूँ, मैं इसको ऐसा लिख रहा हूँ कॉस एक्स बाय फोर माइनस साइन एक्स बाय फोर का स्क्वायर। फर्क पड़ता है क्या? कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिखो या फिर बी माइनस ए का होल स्क्वायर लिखो, दोनों एक ही बात है, स्क्वायर है ना अल्टीमेटली। माइनस साइन आए उसको भी खा जाएगा वो तो, बट ऐसा लिखने से अपना थोड़ा सा कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा बिकॉज नीचे भी कॉस एक्स बाय फोर पहले लिखा हुआ है। तो कॉस एक्स बाय फोर माइनस साइन ऑफ एक्स बाय फोर, ओके। और यहाँ पे कॉस ऑफ एक्स बाय टू खाली बचा हुआ है। यस लिमिट इज स्टिल एक्सटेंडिंग टू पाई, तो अभी अपन ने पुट नहीं करा लेकिन ये एक बार मसाला और ऊपर एक बार मसाला काट देंगे। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई, ऊपर क्या बच जाएगा हमारे पास, कॉस ऑफ एक्स बाय फोर माइनस साइन ऑफ एक्स बाय फोर, और नीचे आ जाएगा कॉस ऑफ एक्स बाय टू। ओके ठीक है, वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात है। अब रखो जरा एक बार पाई, ऊपर पाई रखेंगे पाई बाय फोर, पाई बाय फोर वन बाय रूट टू माइनस वन बाय रूट टू जीरो, और नीचे भी जीरो, जीरो बाय जीरो अभी भी बरकरार है, बट अपना क्वेश्चन थोड़ा सा डाइल्यूट हो गया, अभी क्वेश्चन जो है छोटा हो चुका है। हम कुछ कर सकते हैं बट मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग बताओगे कि इसके बाद क्या करना चाहिए। एनीवन सोचो, लॉपिटल मत बोलना सर, कॉस एक्स बाय टू को कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू, इसको आप फिर से ब्रेक कर दो हाफ एंगल में। कॉस लफड़ा क्या होता है, कॉस स्क्वायर लफड़ा बाय टू माइनस साइन स्क्वायर लफड़ा बाय टू, ये लफड़ा है ना, तो इसको अपन लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर लफड़ा बाय टू, मतलब समझ गए ना, एक्स बाय टू बाय टू मतलब एक्स बाय फोर, एक्स बाय टू का आधा, और साइन स्क्वायर एक्स बाय फोर का, एक्स बाय टू का आधा, और ऊपर हमारे पास है एक्स बाय फोर माइनस साइन ऑफ एक्स बाय फोर। लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई, तो नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, दैट विल बिकम ए माइनस बी। मैं क्या क्या कर रहा हूँ, डायरेक्टली लिखते ना यार, एक फैक्टर कट जाएगा तो जरूरी थोड़ी लिखने का, ए माइनस बी ए प्लस बी बनेगा ही, तो कॉस एक्स बाय फोर माइनस साइन एक्स बाय फोर जो बनेगा वो कट जाएगा। क्या आपको फील हो रहा है, ऊपर वाला और नीचे वाला कट जाएगा, बचेगा क्या फाइनली, वन अपॉन कॉस एक्स बाय फोर प्लस साइन एक्स बाय फोर। ठीक है पुट कर दो यहाँ पे पाई, पाई बाय फोर पाई बाय फोर वन बाय रूट टू, वन बाय रूट टू प्लस वन बाय रूट टू, टू बाय रूट टू, टू बाय रूट टू का उल्टा कितना आ जाएगा रूट टू बाय टू। आप चाहे तो उसको वन बाय रूट टू भी लिख सकते हो, जो भी आंसर पीछे दिया आप मैच करा लेना, ठीक है इसको चेक कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन मैं देखता हूँ, 337 मैंने गलती से पहले बता दिए, अब 335 बता देता हूँ, 5 6 7 8 ये सारे बताने। तो 335 तो खैर इससे भी ज़्यादा आसान है, ये तो कुछ भी नहीं है, ये लिख लो पहले आप, है ना, टेक योर टाइम एंड राइट इट डाउन। रिकॉर्डिंग देख रहे तो पॉज कर लो एक बार, स्क्रीनशॉट्स मत लेना, लिख लिया करो। थ्री थर्टी फाइव पर आ जाते, 335 हमसे कहता है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाय फोर और ऊपर लिखा है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। अरे यार इसमें डाउट नहीं होना चाहिए आपको, ये गलत है, ये साहब एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा कॉस टू एक्स, ये उसका बीटा वर्जन हो गया ऊपर वाले क्वेश्चन का, मतलब बेबी वर्जन। अपन क्या कर सकते हैं, कॉस टू एक्स को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ये फॉर्मूला होता है, ये आपको याद होने चाहिए, अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं है तो इसका मतलब दिस इज हाई टाइम कि आप फॉर्मूले अब याद कर ले। अगर आपने ईमानदारी से पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री लास्ट ईयर तो आपको सब याद होगा, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो बचेगा क्या अपने पास, लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाय फोर वन अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। मैं लास्ट ईयर सबको चिल्ला चिल्ला के बोलता था कि ट्रिग्नोमेट्री नहीं आता तो कुछ नहीं आएगा, इनइक्वालिटी नहीं आता तो पूरा ट्वेल्थ खाली रह जाएगा। क्लास इलेवेंथ ऐसा है ना क्लास जिसमें आप ऐसी चीजें सीखते हो जो क्लास ट्वेल्थ में बेसिकली अप्लाई हो रही होती है, एकदम इसी से क्वेश्चन नहीं आता कभी। आप जेई में ऐसा नहीं देखोगे कि ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन आ गया, ना ना, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर लिमिट्स आ गया, लिमिट्स के अंदर ट्रिग्नोमेट्री आ गया, इंटीग्रेशन के अंदर ट्रिग्नोमेट्री आ गया, डिफरेंशिएशन के अंदर ट्रिग्नोमेट्री आ गया, वो आपसे पूछेगा इनडायरेक्ट क्वेश्चन, इनइक्वालिटी का डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, वो घुसा देगा ना कोई भी चैप्टर में।
ये सब आलू वाले चैप्टर से, आलू आलू समझते हो, कोई भी सब्जी में मिला दो तो पाई बाई फोर रखोगे तो कितना आ जाएगा इसका आंसर, वन बाई रूट टू, वन बाई रूट टू, टू बाई रूट टू, टू बाई रूट टू का उल्टा रूट टू बाई टू, और या फिर वन बाई रूट टू। खैर ये वाला फॉर्म ज्यादा अच्छा है लिखने का, क्योंकि ये रैशनलाइज्ड फॉर्म, डिनोमिनेटर इसका रैशनल। पीछे देख लो ना, दो दो आंसर सेम आ गए इसलिए मैं बता रहा हूँ। हाँ दोनों सेम है, 35 और 37 दोनों सेम है। 336 देख लेते हैं अपन। 336 में हमें बोला गया है, 336 इज गुड है ना, अगर आपसे नहीं बना है तो आप डिमोटिवेट ना होइए, लेकिन बन भी सकता था अगर आप थोड़ा सा और फाइट मारते तो, क्योंकि आपको साफ साफ वो चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि क्या करना है। यहाँ लिखा हुआ है रूट थ्री बाई टू माइनस कॉस एक्स, क्या करूं मैं सर? सर कॉस से मल्टीप्लाई करना है, कॉस से मल्टीप्लाई करना है तो कैसे, मतलब आप समझा नहीं सर, ऊपर वाला खोल दिया तो बोल दो, सही बात है लेकिन फंस जाओगे। कॉस ए माइनस कॉस बी, ठीक है। अमर जो बता रहा है मेरे को वो सही लग रहा है। वैसे करना आपको यही है कि ये रूट थ्री बाई टू और ये पाई बाई सिक्स ऐसे ही आपको शो पीस के लिए थोड़ी दिया है, इनके बीच में आप रिश्ता ढूंढो भाई। पाई बाई सिक्स है और रूट थ्री बाई टू, ये रूट थ्री बाई टू को आप क्या लिख सकते हो, कॉस पाई बाई सिक्स, कॉस थर्टी तो होता है रूट थ्री बाई टू, तो क्यों ना मैं इसको कॉस ऑफ 30 डिग्री लिख दूं, मतलब रूट थ्री बाई टू को लिख दिया कॉस पाई बाई सिक्स एंड दिस इज कॉस एक्स, और ऊपर आ जाएगा साइन ऑफ एक्स माइनस पाई बाई सिक्स। ओके यहाँ पे कॉस सी माइनस कॉस डी लगा देंगे। अगर आपको ये सब फॉर्मूले याद नहीं है तो बहुत मुश्किल है आपके लिए सच में। ये होता है माइनस टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू, ठीक है, याद है ना, साइन कॉस कॉस साइन कॉस कॉस साइन साइन, ये लास्ट वाला हुआ करता था। ट्रिग्नोमेट्री आपको एस एल ओनी लेवल तक की आती है ना तो आप बहुत कंफर्टेबल सिचुएशन में हो, मैं हर बार बोलता हूँ आपको। एस एल ओनी लेवल तक का अगर आपको आता है तो आपको सब आता है, बहुत हाईफाई ट्रिग्नोमेट्री नहीं भी आती ना तो भी आपका काम चल जाएगा, अच्छे से चल जाएगा। कॉस सी माइनस कॉस डी हो जाएगा माइनस टू साइन सी माइनस डी बाई टू, पहले लिख देता हूँ मैं, ठीक, क्योंकि वो कट जाएगा ऊपर वाले से, तो सी माइनस डी बाई टू मतलब क्या हो जाएगा, पाई बाई सिक्स माइनस एक्स बाई टू। ओह माय गॉड, मैं जो सोच रहा था उतना आसान भी नहीं है। ठीक है, मेरे को लगा डायरेक्ट कट जाएगा बट थोड़ा सा टाइम लगेगा है ना, पाई बाई सिक्स माइनस एक्स बाई टू, कोई बात नहीं, और साइन दोनों का सम बाई टू मतलब पाई बाई सिक्स प्लस एक्स, पाई बाई सिक्स प्लस एक्स बाई टू, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत है लेकिन अपन उसको टैकल कर लेंगे। कैसे करेंगे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है साइन ऑफ एक्स माइनस पाई बाई सिक्स, है ना। अब सुनना ध्यान से, ये जो साइन ऑफ एक्स माइनस पाई बाई सिक्स है ना, ये जीरो की तरफ टेंड कर रहा है इसका आर्गुमेंट। आप पाई बाई सिक्स डालोगे ना, ये जीरो की तरफ टेंड करेगा, तो क्यों ना मैं इसको उसी से डिवाइड कर दूं एक्स माइनस पाई बाई सिक्स से, ताकि ये वन हो जाए, और एक्स माइनस पाई बाई सिक्स से डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। इज दैट ओके? बहुत बढ़िया, अब सुनो मेरी बात, यहां पर नीचे ये वाला जो आइटम है पाई बाई सिक्स माइनस एक्स, ये भी जीरो की तरफ टेंड कर रहा है। कैच नहीं कर पा रहे हो तो रुको, बता रहा हूँ ना, धीरे धीरे बता रहा हूँ। ये जो पाई बाई सिक्स माइनस एक्स, हाँ बाई टू को आप थोड़ा इग्नोर करें, बाई टू भी उसी के साथ है, बट आप पाई बाई सिक्स डालोगे तो ये एक्स पाई बाई सिक्स डालने पे जीरो आ रहा है, तो इसको भी उसी की रिक्वायरमेंट है जो इसका आर्ग्यूमेंट है। तो हम क्या करेंगे, नीचे जिसकी डिमांड है उसको सप्लाई कर देंगे, तो ईजिली कैंसिल होगा, टू साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू वैसा लिख दूं मैं। अच्छा चलो, मैं थोड़ा सा ज़्यादा ओवर थिंक कर दिया मैंने, आप जो बता रहे हो वो और अच्छा लग रहा है, लेकिन अब लिख दिया है तो कर ही देता हूँ। आगे कहाँ गया भाई, हाँ सॉरी, अब चलो बीच में स्ट्राइक हुआ है तो लेट अस चेंज द डायरेक्शन। यहाँ पे क्या लिखा है, साइन टू थीटा, तो ये साइन टू थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, टू साइन थीटा कॉस टू थीटा कॉस थीटा, तो ये साइन लफड़े को क्या लिख दूंगा, साइन लफड़ा बाय टू। अरे यार
देखो ये बार बार ऊपर चला जा रहा है, सॉरी क्या लिख सकते हैं अपन इसको, टू साइन थीटा बाय टू इंटू कॉस थीटा बाय टू, ठीक है। अच्छा ये टू काट दो, ये टू काट दो, इसका आर्ग्यूमेंट देखिए क्या है, एक्स माइनस फाइव बाई सिक्स, इसका आर्ग्यूमेंट है फाइव बाई सिक्स माइनस एक्स, तो मतलब आर्ग्यूमेंट आर नेगेटिव ऑफ ईच अदर। व्हाट वी विल डू, हम इनको काटेंगे तो एक माइनस साइन आएगा बाहर, ठीक है, वो बताने की जरूरत नहीं है मुझे, एक माइनस साइन जरूर आएगा बाहर काटने के बाद। और आप अब पुट कर दो लिमिट का वैल्यू, ये माइनस साइन और ये माइनस साइन कटेगा, नाउ यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ लिमिट। तो फाइव बाई सिक्स यहाँ डालोगे तो क्या आएगा, कॉस जीरो, कॉस जीरो कितना होता है वन, तो इधर आ जाएगा वन, और यहाँ पर डालोगे फाइव बाई सिक्स तो फाइव बाई सिक्स प्लस फाइव बाई सिक्स कितना आ जाएगा, थर्टी प्लस थर्टी सिक्सटी, सिक्सटी बाई टू थर्टी, तो साइन थर्टी आ जाएगा, दैट इज साइन फाइव बाई सिक्स, आ रहा है ना समझ में, वन अपॉन साइन फाइव बाई सिक्स, बस इतना ही आएगा आपका आंसर। वन अपॉन साइन फाइव बाई सिक्स कितना हो जाएगा, वन अपॉन साइन थर्टी मतलब हाफ, दैट इज टू शुड बी द आंसर, ठीक है। मैं इसको पहले स्टैंडर्ड लिमिट से कर रहा था कि इसी को इसके लफड़े से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे तो बाद में वो लफड़ा कट जाता, उससे आंसर डेफिनेटली आता, कोई दिक्कत है ही नहीं आता, लेकिन ये ज़्यादा अच्छा तरीका है ना। तो 336 का आंसर 2 आएगा सर। अब इसी में अगर हम cos by sin को cot लिखते हैं फिर उसको 1 by tan लिखते हैं एंड फिर वो स्टैंडर्ड आइडेंटिटी लगाते तो उसमें गलती क्या है, चलता ना, क्या दिक्कत है, नहीं फिर उससे जीरो आएगा ना, x रह जाएगा x माइनस पाई बाई सिक्स बाई टू। तुमने इस वाले स्टेप में किया क्या ऐसा, हाँ ये जो cos by sin है उसको cot लिख दो, कैसे दोनों का आर्गुमेंट अलग है, x माइनस है इधर x प्लस है, हाँ मैंने माइनस लिख दिया था समझा, हाँ ठीक है ना। 337 भी हो चुका है, 338 बचा है अपना, 37 में पहले ही बता चुका हूँ, शांति से समझते चलिए सब कुछ, है ना। साइन लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाई टू, टू एक्स टेन एक्स माइनस पाई बाई कॉस एक्स, किसी का ये वाला आंसर आया तो मुझे बता दीजिए, ये तो मैं दो सेकंड में ख़त्म कर दूंगा एल हॉस्पिटल से, एल हॉस्पिटल यहाँ मुझे लगता हुआ नजर आ रहा है। हाँ भाई किसी का आया ये वाला आंसर, 338 338 आया हो तो बताना, हाँ बताओ कैसे आया, एल हॉस्पिटल से तो आ ही जाएगा, और कुछ किसी ने ट्राई किया हो तो मुझे बताना। देखो मेरे को क्या लगता है ना, ये जब एक्स आ जाता है अननेसेसरी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है, आप लोगों में से जो गलती करे हुए, आप जो गलती करने वाले हो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, आप क्या करोगे ना, यहाँ पर एक एक्स दोगे और एक एक्स यहाँ पे लोगे, है ना, देखते इससे आंसर आता है कि नहीं आता है, मेरे को लगता है इससे गलत ही आंसर आएगा, फिर आप लिमिट रख दोगे टेन एक्स बाय एक्स को वन बोल दोगे, इसमें क्या गलती है, यहाँ पे भी आप लिमिट रख दोगे, तो यहाँ पे गलती है कि पहली बात इसमें बहुत सारी गलतियां हैं, बहुत सारे बच्चे ये करते हैं, टेन पाई बाई टू बाय पाई बाई टू आ रहा है ना यार, जीरो आना चाहिए आर्ग्यूमेंट, टेन का आर्ग्यूमेंट यहाँ पे पाई बाई टू आ रहा है, जीरो आना चाहिए तब जाके आप वन लिख सकते हो, पहली गलती। दूसरी गलती, पाई बाई टू आप जब यहाँ पे डालोगे तो यहाँ पर भी डालना पड़ेगा, और यहाँ पर पाई बाई टू डालने पे आपका आंसर जीरो आएगा और अल्टीमेटली इन्फिनिटी आ जाएगा, तो आपका आंसर फाइनाइट नहीं आ पाएगा इस तरीके से, तो ये गलती ना करें। दूसरी बात, वही मैंने बोला सुखी आदमी की निशानी क्या होती है कि वो टेन एक्स को लिख दे साइन एक्स बाय कॉस एक्स, तो टू एक्स साइन एक्स बाय कॉस एक्स, यहाँ पे भी बाय कॉस एक्स माइनस पाई, तो मैं कॉमन डिनोमिनेटर कॉस एक्स बना देता हूँ। नाउ लेट अस थिंक अबाउट सम वे कि अपन इधर कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म लगा सकते हैं क्या। एक तरीका इसमें और है, दैट इज बाइनोमियल एक्सपेंशन, बट उसको आप एकदम अवॉइड करें क्योंकि साइन एक्स और कॉस एक्स का भी एक्सपेंशन आता है, लेकिन एकदम अवॉइड करें, फंस जाओगे उससे भी। हालांकि मैंने वो चीज़ अभी सिखाई नहीं है क्लास में, बट आपको एक्सपेंशन मैंने बाइनोमियल में सिखाया था। तो मैं क्या करूँगा, अब पाई बाई टू डालो ऊपर, देखते हैं ना, यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो फाइनाइट है साइन पाई बाई टू वन, तो यहाँ पे पाई बाई टू डालेंगे तो कितना आ जाएगा, पाई बाई टू इंटू टू दैट इज पाई, पाई माइनस पाई ऊपर आ रहा है जीरो, नीचे भी आ रहा है जीरो, जीरो बाय जीरो है, और एल हॉस्पिटल अपने को लगता हुआ नजर आ रहा है, वी कैन अप्लाई एल हॉस्पिटल, क्योंकि पाई तो जीरो हो जाएगा, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, नॉट वेरी डिफिकल्ट,
और नीचे भी cos x से बड़ा आसान फंक्शन है, तो एल हॉस्पिटल लग रहा है तो ज्यादा टेंशन मत लिया करो, सीधे लगा दो। तो ऊपर लिया मैंने 2, फर्स्ट फंक्शन 2 को बाहर रखेंगे ना, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन एक्स प्लस साइन एक्स इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन दैट इज x, x का डेरेटिव क्या हो जाएगा बेटा 1, और ये माइनस पाई का डेरेटिव 0 हो जाएगा, यू डोंट नीड टू राइट इट, मैंने लिख दिया। कॉस एक्स का डेरेवेटिव हो जाएगा माइनस साइन एक्स। अब अपन पाई बाई 2 डालेंगे सबसे पहले नीचे, तो साइन पाई बाई 2 क्या आ रहा है 1 आ रहा है, तो 0/0 का फॉर्म तो चला जा चुका है क्योंकि नीचे फाइनाइट नंबर आ रहा है, तो नीचे माइनस 1 आ जाएगा और ऊपर रखेंगे अपन यहाँ पे पाई बाई 2 रखो, पाई बाई 2 और कॉस पाई बाई 2 0, ये तो पूरा ही गायब हो जाएगा, इसको हटा दो, ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1, 0 प्लस 1 इज 1 और 1 इंटू 2 इज 2, तो ये आ जाएगा 2 अपॉन माइनस 1 दैट इज माइनस 2। बैटरी लो है मेरे पीसी का, अबे चार्ज कर लो यार, क्या कर रहे हो चार्ज कर लो ना, मोबाइल से ज्वाइन कर लो, कैसे भी कर लो। माइनस 2 आंसर करेक्ट है, एकदम मैच हो गया, क्या दिक्कत है, इसको आप एल हॉस्पिटल से खत्म कर दो। ओके, और कोई क्वेश्चन में डाउट था अपना, 338 तक तो चलो अपना खत्म हो, मैं इसको अभी कॉपी कर लेता हूँ, 342, 43, 44, 350, 339 और 40 में किसी को डाउट नहीं है सच में, 342 पे आ जाओ। अगर किसी को 339, 340, 341 में डाउट हो तो यू आर मोस्ट वेलकम, आप पूछ सकते हो, मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। कोई रिकॉर्डिंग देख रहा है अगर बाय चांस, है ना, इवनिंग बैच का स्टूडेंट अगर, और आपको अगर डाउट रह जा रहा है तो मेरे को कमेंट करके बता देना, ठीक है। थ्री फोर्टी टू पे आ जाते हैं, क्या बोला इसमें, लिमिट अल्फा टेंडिंग टू बीटा साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा अपॉन अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। क्या करूँ, साइन स्क्वायर अल्फा माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो पहला इंस्टिंक्ट तो यही आ रहा कि क्यों ना मैं वो कर दूं जो आप सब सोच रहे हो, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो साइन ऑफ अल्फा प्लस साइन ऑफ बीटा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा साइन ऑफ अल्फा माइनस साइन ऑफ बीटा। ये क्या लिख दिया, नीचे भी अपना बन रहा है अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा। अब सुनो, ए प्लस बी ए माइनस बी है ना, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा क्या हो जाएगा, साइन सी प्लस साइन डी। अच्छा लॉपिटल यहाँ पे इजी होगा, आप सही कह रहे हो, आप सही कह रहे हो एकदम, यहाँ पे भी लॉपिटल से खत्म कर सकते हैं, ऊपर वाले में तो खैर थोड़ा सा लॉपिटल के अलावा कुछ और आपको सूझेगा भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे भी अपन बिना लॉपिटल के भी ट्राई कर सकते थे, बट सोचा नहीं, आप लॉपिटल से कर दो, मैंने इसलिए अवॉइड करा यहाँ पे क्योंकि साइन स्क्वायर अल्फा है, चेन रूल है, मैं चेन रूल थोड़ा सा अवॉइड ही कर रहा हूँ, है ना। वही है वैसे, साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है, टू साइन सी प्लस डी बाई टू, टू साइन सी प्लस डी बाई टू इन टू कॉस सी माइनस डी बाई टू, और यहाँ पे साइन सी माइनस साइन डी, ये क्या हो जाएगा, साइन सी माइनस साइन डी हो जाएगा टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इन टू साइन सी माइनस डी बाई टू। ओके, और नीचे है अल्फा प्लस बीटा और इधर है अल्फा माइनस बीटा, मैं देख रहा हूँ मैं कितनी चालाकी से अल्फा प्लस बीटा इसकी तरफ लिखा मैंने, और इधर अल्फा माइनस बीटा लिखा, और लिमिट क्या है अपने पास, लिमिट है अल्फा टेंडिंग टू बीटा। अपना आंसर बिना लॉपिटल के भी जल्दी आ गया, आंसर आ चुका है, कुछ ही लोगों को दिख रहा होगा लेकिन आ चुका है। सबसे पहले यहाँ पे 2 की ज़रूरत है तो 2 लिया 2 दिया, यहाँ पर भी 2 की ज़रूरत है 2 लिया 2 दिया। दूसरा, हाँ भाई ये क्या लिखा है, साइन लफड़ा बाय लफड़ा, ये होता है 1, अब सॉरी पहली बात तो अल्फा और बीटा जब एक दूसरे की तरफ टेंड करेंगे, ओ यार यहाँ पे क्या आएगा, कॉस जीरो आएगा ना, कॉस जीरो तो 1 होता है, और यहाँ पे क्या आएगा, कॉस ऑफ 2 अल्फा,
सॉरी कॉस ऑफ टू बीटा आ जाएगा, हाँ, साइन ऑफ टू बीटा, साइन टू बीटा बाई टू मतलब साइन बीटा आ जाएगा, तो वो भी फाइनाइट है। मैंने पता नहीं यहाँ पे क्यों टू मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे जरूरत ही नहीं है, यहाँ पर भी आप अल्फा की जगह बीटा डालोगे इधर, तो टू बीटा बाई टू मतलब बीटा आ जाएगा, फाइनाइट है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, बस यहाँ पर ये देखिए, ये साइन लफड़ा बाय लफड़ा, इसको वन लिख दो आप, और बाकी हर जगह दुनिया में जहाँ जहाँ अल्फा है वहाँ वहाँ बीटा डाल दे, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए अल्फा की जगह बीटा डाल देंगे तो टू बीटा बाई टू कितना आ जाएगा, बीटा, दैट विल गिव अस टू साइन बीटा, और यहाँ पे अगर आप अल्फा की जगह बीटा डाल देंगे तो बीटा माइनस बीटा जीरो, और कॉस जीरो कितना होता है, कॉस जीरो होता है वन, तो ये वन आ जाएगा, और होल थिंग डिवाइडेड बाय अल्फा की जगह बीटा डालेंगे तो कितना आ जाएगा, टू बीटा, टू टाइम्स बीटा। इधर देखेंगे टू बाई टू कट जाएगा, यहाँ पे अल्फा की जगह बीटा डालेंगे टू बीटा बाई टू मतलब अपने पास फिर से कॉस ऑफ बीटा आ जाएगा, और ये चीज़ वन हो जाएगी पूरी। ये आपका फाइनल आंसर है, टू और टू काट दो, टू मत काटो, या तो फिर ये टू साइन बीटा कॉस बीटा जो हो जाएगा इसको साइन टू बीटा लिख दो, साइन टू बीटा अपॉन टू बीटा, दैट इज द फाइनल आंसर ऑफ 342। ठीक है, एकदम मैच हो रहा है, आप करके भी देख सकते हो, लॉपिटल से भी हो जाएगा अपना आंसर। अगला क्वेश्चन है अपना 344। थ्री फोर्टी थ्री ऐसे लोनी टाइप का क्वेश्चन है, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो टैन ऑफ ए प्लस एच, ए प्लस टू एच सॉरी, माइनस टू टाइम्स टैन ऑफ ए प्लस एच प्लस टैन ऑफ ए, ठीक है, अपॉन एच स्क्वायर। मैंने सही लिखा है ना, मैंने गलत लिखा है, मैंने एक्चुअली मैं क्या कर दिया, मैंने ये 344 है तो यहाँ पर आएगा साइन, साइन 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 आएगा, तो साइन ऑफ ए प्लस टू एच, टू टाइम्स साइन ऑफ ए प्लस एच आएगा, इधर भी इधर आ जाएगा साइन ऑफ ए, नीचे आ जाएगा एच स्क्वायर। तो ये अपना 343rd क्वेश्चन है, एच टेंडिंग टू जीरो, ओके, जीरो बाय जीरो का फॉर्मेट बन रहा है। आप चाहो तो एल हॉस्पिटल से इसको खत्म कर सकते हो, दो बार एल हॉस्पिटल लगाना पड़ेगा क्योंकि नीचे एच स्क्वायर एक बार टू एच होगा फिर एक बार टू होगा, तो दो बार लगाना पड़ेगा, वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म आपका जाएगा नहीं। या तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ, ये जो टू टाइम्स लिखा है ना इसको ब्रेक कर देता हूँ, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो साइन ऑफ ए प्लस टू एच माइनस, यहाँ पे लिखा है साइन ऑफ ए प्लस एच माइनस साइन ऑफ ए प्लस एच प्लस साइन ऑफ ए, और नीचे है एच स्क्वायर, ठीक है। एक काम करते हैं ना, साइन ऑफ सी प्लस डी बाई टू बनाने की कोशिश करते हैं अब आपको, या सी माइनस डी बनाने की कोशिश करते हैं, कोई दो साइन पिक करना है, कौन कौन से दो पिक करें बताइए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ऐसा भी कर सकते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, या फिर ऐसा करते हैं कि पहला वाला और ये दूसरा वाला ले लेते हैं इन दोनों को, ठीक है, ओरली लगा देंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, डोंट वरी। टू साइन सी प्लस डी बाई टू मतलब ए प्लस टू एच प्लस ए प्लस एच कितना आ जाएगा, ए और ए टू ए और एच प्लस एच टू एच थ्री एच, सर इधर लॉपिटल लगाया तो इजी हो जाएगा, नहीं ना ये इधर एच स्क्वायर है, दो बार लगाना पड़ेगा सर, तो लगा दो बार कोई दिक्कत नहीं, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, मैंने तो बोला ना ये एच स्क्वायर एक बार में थोड़ी ना जाएगा, ये टू एच बनेगा, फिर आप एच का वैल्यू जीरो डालोगे तो वो नीचे जीरो आएगा और ऊपर भी जीरो आएगा, आप बिल्कुल लगाओ लॉपिटल अगर आपको लगाना है तो, लेकिन फंस जाओगे, लंबा होगा उससे, ये दो मिनट में हो जाएगा, दिखता लेंदी है लेकिन है आसान, ओके। तो साइन ऑफ ए प्लस टू एच, तो ऐड क्या कर रहा था मैं, ए प्लस ए टू एच और थ्री एच बाई टू इंटू,
कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई टू, तो सी माइनस डी बाई टू आ जाएगा, क्या आ जाएगा अपने पास, ए और ए कट जाएगा, टू एच माइनस एच आ जाएगा एच बाई टू, तो फाइनली अपने पास यहाँ पर आ जाएगा एच बाई टू। अच्छा ये इधर देखो प्लीज, इधर है ना साइन ऑफ ए को मैं पहले लिख देता हूँ क्योंकि वो प्लस वाला है, विल गिव अस सम गुड फीलिंग, तो साइन ऑफ ए को पहले लिख दिया, माइनस साइन ऑफ ए प्लस एच को बाद में लिख दिया, तो यहाँ पे साइन सी माइनस साइन डी लिखा हुआ है, साइन सी माइनस साइन डी मतलब क्या हो जाएगा, प्लस टू कॉस सी प्लस डी बाई टू, तो टू ए प्लस एच बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू, तो ए और ए कट जाएगा और माइनस एच आएगा, एक माइनस एच बाई टू, नीचे है एच स्क्वायर, ठीक है नीचे का एच स्क्वायर रहने दो आप, कुछ कॉमन आ रहा है, साइन सी माइनस साइन डी है ना, अच्छा आई एम सॉरी, साइन सी माइनस साइन डी में कॉस पहले आता है साइन बाद में आता है, ठीक है कैसे पता चला, क्योंकि मेरे को पता था साइन एच यहाँ से कुछ कॉमन आना चाहिए, वरना तो अपना क्वेश्चन हो ही नहीं पाता, ठीक है तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, ये अपन क्या करेंगे साइन एच बाई टू और साइन एच बाई टू को कॉमन ले लेंगे। अच्छा सुनो यहाँ पे माइनस वाला जो है ना इसको हटा के बीच में माइनस कर देना, तो बेसिकली वी विल बी हैविंग साइन ऑफ एच बाई टू, अंदर क्या आ जाएगा टू कॉस टू ए प्लस थ्री एच बाई टू माइनस टू कॉस टू ए प्लस एच बाई टू, और यहाँ पे एच स्क्वायर है ना, अब सुनो मेरी बात, ये जो एच स्क्वायर है ना उसका एच यहाँ पे दे दो एक, और एक एच यहाँ पे चलने दो, ठीक है यहाँ पर एच बाई टू की जरूरत है बेसिकली, तो अपन ने टू दिया और यहाँ पे टू लिया, ये वाली चीज को मैं वन लिख देता हूँ, ये जो पूरा है ना ये दिस आई कैन राइट एज वन, लास्ट में लिखो अभी लिखो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो वन बाई टू, और बाप रे ये टू कॉमन आएगा, फिर यहाँ पे फिर बचा कॉस डी माइनस कॉस डी, तो एक बार और लगाना पड़ेगा, मुश्किल है क्वेश्चन थोड़ा सा बट लगा देते हैं, पेशेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला बताइए मुझे कोई, थर्ड नंबर का फॉर्मूला होता है, नहीं नहीं फोर्थ नंबर का, एस सी एस सी सी एस 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 होता है ना, तो उसमें एक टू आएगा माइनस टू साइन सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू, सी प्लस डी करो मेहनत का काम, ओ माई गॉड, तो देखो टू ए प्लस टू ए फोर ए फोर ए और फोर एच, फोर एच बाई टू फोर ए प्लस यार देखो कभी भी मेहनत लगती है ना तो हमेशा सोचता हूँ कि आसान तरीका है क्या, नहीं है, वी आर ऑलमोस्ट देयर, लेट अस नॉट गिव अप हियर, यहाँ पे अपन है ना कर देते हैं, तो दोनों का सम कर देंगे तो क्या आ जाएगा टू ए प्लस टू ए फोर ए और फोर एच, फोर ए प्लस फोर एच बाई टू, और इसका भी बाई टू करना है तो बाई फोर हो जाएगा, तो बेसिकली ए प्लस फोर ए प्लस एच आ जाएगा, बाई टू है ना, आई होप समझ में आ रहा है, डिफरेंस देखते 2a और 2a कट जाएगा डिफरेंस लेते वक्त, और 3h माइनस h आ जाएगा 2h, 2h बाई टू आ जाएगा आपके सामने आंसर, और उसका भी बाई टू करना है तो 2h बाई फोर दैट इज h बाई टू, अरे मैंने मेंटली बस सब्ट्रैक्ट करा दोनों एंगल्स को, अगर आपको लगता है कि भाई मुश्किल हो रहा है तो आप करके देख सकते हो खुद से, ठीक है। अच्छा ये जो h है यहाँ पे दे दो आप, अब लिमिट रख दो h टेंडिंग टू जीरो, जैसे ही आप h टेंडिंग टू जीरो रखोगे यहाँ पे बचेगा माइनस टू साइन है। अच्छा एच बाई टू की जरूरत है तो मैं एक और टू यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड करूंगा, ये टू मैंने इधर डिवाइड कर दिया और मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना। अच्छा ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, अभी दिस विल बिकम वन एंड इसको जीरो रखेंगे तो साइन ए, और ये टू और टू कट जाएगा, ये टू और टू कट जाएगा, बचेगा क्या माइनस साइन ए, अपना फाइनल आंसर आ जाएगा माइनस साइन ए। बोलो क्या लगता है आपको, 343 का आंसर पीछे दिया है माइनस साइन अल्फा, ए अल्फा जो भी हो है ना आप समझ जाओ, गुड क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इट विल टेक योर टाइम एंड पेशेंस, उसमें आप फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म की पेयरिंग करते तो ज्यादा इजीली होता, सब कुछ कट जाता।
फर्स्ट एंड फोर्थ एंड सेकंड एंड थर्ड. केस में क्या था, 2a + 2a, सही कह रहे हो आप, सही कह रहे हो, ये और ये करते ना, तो सेकंड एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड में क्या आता है कि उसको रहने देते, मतलब सही कह रहे हो सकता है वैसा. मैंने इन दोनों की पेयरिंग करी है, आप चाहे तो पेयरिंग चेंज करके एक बार ट्राई करके देखें. हाँ द्वेता, आप कुछ कह रहे थे. हाँ सर, लॉपिटल से किया हुआ आ रहा है. लॉपिटल से आता है, लेकिन लॉपिटल इज इलीगल, समझो आप ड्रग्स फूंक रहे हो, इसका मतलब ये है कि पकड़े जाओगे कभी ना कभी, समझो इस चीज को, कि लॉपिटल आपको ज्यादा लंबा साथ नहीं देगा. देयर इज अ रीजन मैं लॉपिटल हर जगह क्यों नहीं लगा रहा हूँ. बहुत सिंपल है तो लगा दो, क्योंकि बहुत सिंपल क्वेश्चन आते भी नहीं आईआईटी में, तो इसका टेंशन नहीं है. ये वाला क्वेश्चन आईआईटी में आएगा, लॉपिटल, वो ऐसा क्वेश्चन बनाएंगे ना कि आप लॉपिटल में जरूर फंस जाओगे. चलिए 343 मैंने बताया, 344 भी पूछना है, 350 भी पूछना है, 349 नहीं पूछ रहे आप लोग, आई एम वेरी सरप्राइज. 349 हर किसी का डाउट होना चाहिए था, 349 सबका डाउट होना चाहिए था. मैं एक अटेंडेंस लूंगा और आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म कर देता हूँ, अदरवाइज ये आधा घंटा और चलेगा. एक मिनट रुक जाना, 348 में ऐड कर देता हूँ. अगर आप ये रिकॉर्डिंग देख रहे हो तो इसका एक पार्ट टू भी होगा, ठीक है. हो सका तो मैं इसमें ही अटैच कर दूंगा, हो सका तो मैं अलग से वीडियो डाल दूंगा, हो सका तो कल क्लास में देख लेंगे. तो 343, 344 ये चार क्वेश्चन अपने बचे अभी, दीज आर द रिमेनिंग क्वेश्चन, ठीक है. तो बाकी के मैं आपको बता चुका हूँ सारे, ये चार रिमेनिंग क्वेश्चन. आई होप अपने को यहाँ तक समझ में आया होगा, एंड रिमेनिंग क्वेश्चन कल कर लेंगे. 344 एकदम सेम टाइप का क्वेश्चन है. अगर कोई बच्चा बहुत ध्यान से सुनना चाह रहा है तो आप क्या करें कि tan ऑफ a माइनस बी को ऐसे लिखें. 344 में बता दूंगा आपको क्लास में ना, क्योंकि आपको दिख रहा है हर क्वेश्चन में मेरे को 5 से 7 मिनट लगेगा. इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, मैं एक्सटेंड भी नहीं करना चाहता हूँ. तो tan ऑफ a माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है ना, उसको अप्लाई करो. व्हाट डज इट से, ये कहता है कि tan a माइनस tan b अपॉन 1 + tan a tan b. तो यहाँ से आपको tan ऑफ a माइनस b का एक वैल्यू पता चलेगा. तो यू कैन यूज कि व्हाट इज tan ऑफ a माइनस tan ऑफ b. एक और तरीका है, बस सोच के मैं आपको बताता हूँ. एक्चुअली मैं सोच रहा हूँ बस, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं करा मैंने अभी, तो पहले ये लिख लेने दो. हाँ बस ये आप यूज़ कर लो, ये आपने अगर यूज़ कर लिया तो आपके आंसर्स आ जाएंगे. एक और तरीका इसमें भी है कि आप लॉपिटल लगा डालो, बट लॉपिटल से आ जाएगा, दो बार लगाना पड़ेगा. आता है, बिल्कुल आता है. बचे हुए जो 3-4 क्वेश्चन है उसका एक सेपरेट वीडियो अपन कल रिकॉर्ड कर लेंगे, हो सका तो मैं अलग से ही डाल दूंगा अगर मुझे टाइम मिला तो, ठीक है. तो 350 आपका होना चाहिए डाउट. 350 मैं यहाँ पे खुद से ऐड कर चुका हूँ. ओके 349 यहाँ पे ऐड कर चुका हूँ, 348 भी कर दिया मैंने. अच्छा 348 में अगर डाउट है तो मैं एक हिंट दे देता हूँ, ट्राई करना है ना. क्या, रैशनलाइजेशन. आप रैशनलाइज करो, मैं गारंटी दे रहा हूँ आपका आंसर आएगा. अंडर रूट दिखा, रैशनलाइज. 344 तो मैंने बताया आपको, 349 अपना वही ए माइनस बी वाला तरीका आप लगाएंगे. 348 भी किया. 329 का भी, 329 का भी बता दूं ऐसा. ऐड कर देता, कैसे करना है वो बस बता दूं. 329 में आप क्या करो देख लेते हैं. 329 में क्वेश्चन है, 1 - sin x लिखा हुआ है ना, पाई बाय 2 जा रहा है, 1 - 1 0/0 बन रहा है. लॉपिटल को अवॉइड करें बिल्कुल. ऊपर जो cos लिखा हुआ है ना, सुनो मैं बताता हूँ आपको, 1 - sin x इसका स्क्वायर है, पावर में क्या 3, 2/3. ये मैंने बताया शायद आज, ऐसा मेरे को याद आ रहा है. 329 मैंने नहीं बताया क्या, 329 जरा, क्योंकि पावर 2/3 से मेरे को एकदम से याद आया. खैर देख लो, 2 मिनट क्या लगेगा. ऊपर जो कॉस लिखा है ना, उसको आप साइन में तब्दील कर दो. तो अपन उसको क्या, क्योंकि लिमिट क्या दी, पाई बाय 2, तो ऊपर अपन इसको क्या लिख देंगे, साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स, है ना. क्योंकि अब अपन इसको कैंसिल कर सकते हैं. अब नीचे क्या लिखा है, 1 - sin x. आप चाहे तो परफेक्ट स्क्वायर बना लो, देखो ना अद्वैत, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा यहाँ पे. क्या, साइन एक्स बाई 2 - cos x बाई 2 का होल स्क्वायर. ओरली
और फिर उसका पावर 2/3 है। तो इनफैक्ट मेरे को एकदम याद आ रहा है कि मैंने बताया 329, रुको, 326, 330, ऐसा क्वेश्चन कहाँ किया था अपन ने, आज ही किया था, 323 था, 323 था, ओके देख लो दो मिनट, हाँ चलिए ठीक है कोई बात नहीं। एक काम करो, इसको आप लिख दो साइन ऑफ एक्स बाई टू माइनस कॉस ऑफ एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, तो पावर में वैसे ही 2/3 है तो वो 4/3 हो जाएगा, ऊपर कॉस एक्स है तो क्यों ना मैं इसको कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू लिख दूँ, ठीक है, तो नीचे इवन पावर है ना, तो आप साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू लिख दूँ या कॉस एक्स बाई टू स्क्वायर है ना ऊपर ऊपर, नहीं कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस, हाँ 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 ये कहना चाह रहे हो ना, ठीक है परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं, इसको आप है ना फिर क्या करोगे cos of x by 2 minus sin of x by 2 लिखोगे और cos of x by 2 plus sin of x by 2 लिखोगे और नीचे क्या लिखा है cos of x by 2 minus sin of x by 2 की पावर में 4/3 extending to pi by 2, pi by 2 रखोगे तो cos pi by 2 0, sin pi by 2 1, 0 plus 1, 1, ये तो finite answer दे रहा है अपने को, यहाँ पर आपका answer जो है वो cos x minus sin x हो जा रहा है ना, तो हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ऐसा लिख लो इसको, अब आप 1 अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स की पावर में 4/3 माइनस 1, दैट विल बी 1/3 है ना, 1/3 मैंने लिखा है इसको, मतलब क्यूब रूट हो गया, अब डालेंगे अगर पाई बाई टू तो ये 0 हो जा रहा है और साइन एक्स कितना हो जा रहा है 1 हो जा रहा है, एक मिनट रुको है ना मैं सोच ही रहा हूँ कुछ, दोनों सेम हो जाएंगे ना, पाई बाई टू डाल रहे हैं ना अपन की पाई बाई फोर, पाई बाई टू डाल रहे हैं, साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू, ये कटेगा एक बार तो बाई टू है, अच्छा तो पाई बाई फोर आ जाएगा इसलिए जीरो आएगा, तो अभी भी इन्फिनिटी आ रहा है इसका आंसर, ये वो उस टाइप का क्वेश्चन होगा जिसमें बहुत मेहनत कर लो और आंसर इन्फिनिटी आ जाता है, यस आंसर इज इन्फिनिटी, चेक किया मैंने अभी तो आंसर इन्फिनिटी ही आ रहा है, अब अपनी गलती थोड़ी, नीचे जीरो बरकरार है वो हट ही नहीं रहा है, ऊपर और नीचे दोनों जगह जीरो हो तो फिर अपन उसको सॉल्व करते रहेंगे आखिरी तक, बट ये 1/0 वाला फॉर्मेट जो है उसको छोड़ दो, ये कोई इंडिटरमिनेंट थोड़ी होता है, इसका आंसर इन्फिनिटी होता है, वी डोंट नो व्हाट इन्फिनिटी इज बट आंसर इज इन्फिनिटी, ठीक है, तो ये 329 है, बाई चांस किसी को डाउट था तो पूछ लिया उन्होंने, और कोई क्वेश्चन में डाउट होगा तो अपन कल इसको कंटिन्यू करेंगे, कल अपना लिमिट्स का लेक्चर जो है वो आगे बढ़ेगा एंड आई विल ट्राई कि अपन एटलीस्ट मंडे तक इसको खत्म कर दे चैप्टर को, है ना, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आपका होमवर्क जो है वो मॉड्यूल से, तो मॉड्यूल में आपको करना है क्वेश्चन नंबर, मॉड्यूल लिमिट का ना 11th वाला, अरे यार 11th वाला लिमिट मॉड्यूल, आई डोंट हैव इट, 1 to 20 है ना, मैं देखता हूँ कोई ऐसा क्वेश्चन हुआ अगर उसमें जो नहीं कर पाओगे तो मैं आपको बता दूंगा अभी अलग से, थोड़ा सर्च करना पड़ेगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, थैंक यू।